दोस्तों नमस्कार, यू आर वेलकम टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इस टेंस की पहचान और इसका अनुवाद का नियम और इसके सारे गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ यह हुआ कि इसमें कार्य जारी रहता है, कार्य इसका पूरा नहीं रहता है, कार्य अधूरा रहता है, इसलिए इसको अपूर्ण काल कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान हम जानेंगे कैसे, हिंदी वाक्य को देखेंगे तो हमें कैसे पहचान पाएंगे। तो इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आदि लगा रहता है, तो हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करना है। हमें इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका अनुवाद करना है। तो इसके लिए इसको हम अगर एग्जांपल के तौर पर समझे तो एग्जांपल के तौर पर क्या होगा अनुवाद, तो जैसे अगर कहा जाए कि वह खा रहा है, देख रहे, रहा है, लगा है, तुम पढ़ रहे हो, देखिए इसमें रहे हो लगा है, इस तरह से कोई भी टेंस हो तो इसको हम कहेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस की पहचान में आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि इसमें रहा है, रही है, रही हूँ, रहा हूँ आदि लगा रहेगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कार्य जारी है। अगर कार्य जारी है तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले आपको ये पहचान लेना चाहिए कि यह किस टेंस का है। तो जब आप पहचान लेंगे कि यह टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, लगा है, तो आप पहचान लिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, इसको आप इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे। तो इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए आपको पहले वीडियो में भी बताया गया है कि सबसे पहले इंग्लिश में हम सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद क्रिया लिखते हैं, क्रिया के बाद कर्म लिखते हैं। लेकिन हिंदी वाक्यों में आप देखते हैं कि उसमें सबसे पहले कर्ता लिखा रहता है, इसके बाद कर्म लिखा रहता है, फिर अंत में क्रिया लिखी रहती है। लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले कर्ता लिखना है, कर्ता के बाद क्रिया लिखना है, क्रिया के बाद आपको कर्म लिखना है। और आपको सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रागेटिव 3 रूपों में करके हम इसमें ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वीकारात्मक वाक्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इस टेंस में हमें ये भी जानना है कि इसके अनुवाद का नियम क्या है। तो अनुवाद का नियम क्या है, अनुवाद का नियम यही है कि हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता लिखते हैं और फिर कर्ता के अनुसार इज, एम, आर सहायक क्रिया, ये इज, एम, आर ये सहायक क्रियाएं हैं, इन सहायक क्रियाओं को कर्ता के अनुसार लिखना होता है। अगर कर्ता एकवचन का होगा तो इसमें इज लगाएंगे, कर्ता अगर बहुवचन का होगा तो आर लगाएंगे, अगर आई लगा होगा तो आई के साथ एम लगाया जाता है। तो इस तरह से एक वचन के साथ आपको इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है और बहुवचन के साथ आर लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, कर्ता लिखने के बाद आपको सहायक क्रिया लिखना है, सहायक क्रिया लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद आप क्रिया का पहला रूप लिखेंगे और उसमें आई एन जी जोड़ देंगे। क्रिया का पहला रूप लिख करके उसमें आई एन जी जोड़ने के बाद तब इसके बाद आपको कर्म आदि को लिखना है। तो इसको कर्म आदि लिखना है,
और एक चीज आपको ध्यान रहना चाहिए, रूप में आईएनजी जोड़ा जाता है, तो उस जब इसमें आईएनजी जोड़ा जाता है तो उसको आप पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट और प्रेजेंट क्रिया के चार रूपों के बारे में आप पढ़े होंगे। क्रिया के चार रूप होते हैं, पहले को कहते हैं प्रेजेंट, दूसरे कहते हैं पास्ट और तीसरे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और चौथे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये चौथा रूप आप इस तरह कह सकते हैं, तो चौथा रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनेगा, जब आप किसी क्रिया में आईएनजी लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। नोट, विशेष चीज आपको याद रहनी चाहिए कि ये एक वचन ही सी इट या कोई नाउन का नाम हो, जैसे कोई नाउन हो राम श्याम मोहन सोहन इत्यादि कोई नाम हो, तो इसके साथ आपको इज लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। और अगर बहुवचन हो जैसे दे हो बच्चे हो कुत्ते हो घोड़े हो इत्यादि कोई भी बहुवचन हो या यू लगा हो तो इसके साथ आपको आर लगाना है। और अगर आई लगा है तो आई के साथ आपको हमेशा आई में लिखना है, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद आप अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, ट्रांसलेट करेंगे। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता देख रहे हैं इसमें वह है, वह इसमें फीमेल है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, सी लिखेंगे। इसके बाद कर्ता के अनुसार हमें इसमें इज एम आर लगाना है, तो कर्ता देख रहे हैं एक वचन का है इसलिए हम इसमें इज लगाएंगे। इसके बाद हम क्रिया का पहला रूप है रीड, रीड माने पढ़ना। अब रीड में आपको आईएनजी जोड़ देना है, या आप इसको इस तरह से इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया कि सी इज रीडिंग बुक। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल, वह पत्र लिख रहा है, किसका ट्रांसलेट करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ही इज राइटिंग लेटर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया ही इज राइटिंग लेटर। आपने देखा यहाँ पर ही लगाया, ही चूँकि एक वचन है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया गया। इसके बाद देखिए राइट, राइट माने लिखना होता है, राइट को आपने लिखे डब्ल्यू आर आई टी ई लिखा जाता है, लेकिन जब इसमें हम आई एन जी जोड़ेंगे तो ई को वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ई को वहाँ से हटा देंगे। इसके बाद हो गया ही इज राइटिंग लेटर, लेटर का लेटर माने पत्र हो गया। इसी तरह से हम लोग आम खा रहे हैं, तो हम लोग आम खा रहे, देखिए वी हो गया, वी चूँकि बहुवचन है इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया। इसके बाद देखिए ईटिंग मैंगो, वी आर ईटिंग मैंगो। मैं टहल रहा हूँ आई एम वॉकिंग, इसको लिख दिया गया कि आई एम वॉकिंग। तुम लोग जंगल में दौड़ रहे हो, तो तुम लोग जंगल में दौड़ रहे हो तो देखिए इसका हो गया यू आर रनिंग इन द फॉरेस्ट। आपको देखिए रनिंग में आपको ध्यान देना है, अगर आपको जब रनिंग लिखना है तो रन की स्पेलिंग होती है आर यू एन होता है, लेकिन जब आप रनिंग लिखेंगे तो इसमें डबल एन लगा करके आपको लिखना है। बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है, जब वाक्य में नहीं कभी नहीं लगा रहता है तो हम इसको कहते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है। वाक्य में नकारात्मक शब्द को निषेधात्मक, इसको हम निषेधात्मक भी कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा हो गई कि जब वाक्य में नो नॉट या नेवर लगा हो तो हम उसको कहते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसके अनुवाद का नियम क्या है, तो इसके अनुवाद का नियम है कि अनुवाद का नियम इसका इस तरह का है कि नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नो नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेजी में जब नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता लिखेंगे और इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट या नेवर लिखेंगे, इसके बाद कर्म आज को लिखते हैं। इसका रूल क्या है, इसका रूल इस तरह का है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है,
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद सहायक क्रिया इज एम आर, ये आपको ध्यान देना है, कर्ता के अनुसार हमेशा लिखना है, आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर कर्ता एक वचन का हो तो इज लगाना है, आई अगर रहेगा तो एम लिखेंगे और आर बहुवचन के साथ लगाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नाट, नो या नेवर, यहाँ पर आपको अगर कभी नहीं है तो नेवर लगाना है, नाट है नहीं है तो नहीं लगाना है, कहीं कहीं नो को भी लगाया जाता है, जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे हम इसको करते हैं। इसके बाद आपको क्रिया के पहले रूप में आई एन जी लिखेंगे, या इसको कह सकते हैं कि आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म के बाद और जो भी होता है उसको अंत में लिख देते हैं। इस तरह से हम इसको अब एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। जैसे तुम लोग हंस नहीं रहे हो, देख रहे हैं इसमें नहीं लगा है, तो अगर नहीं लगा तो हम क्या लिखेंगे, यू आर नॉट लाफिंग, ये हो जाएगा यू आर नॉट लाफिंग। वह नहीं रो रही है तो देखिए सी सी इज नॉट वीपिंग। इसी तरह से मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इसका हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू, नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग फूड। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, आपको मालूम है कि जब किसी वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा रहेगा तो हम इसको कहते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि ये दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं फर्स्ट टाइप और दूसरे को कहते हैं सेकंड टाइप, या इसको हम कह सकते हैं ए टाइप या बी टाइप। तो ए टाइप को किसको कहते हैं, ए टाइप वो होता है जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं, इसको कहते हैं ए टाइप, और जिसका उत्तर हम एक्सप्लेन करके बताते हैं उसको कहते हैं बी टाइप। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में क्या सबसे पहले लगा होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टाइप, और जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में लगा होता है तो उसको कहते हैं सेकंड टाइप। तो चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य आप समझ गए हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा रहे तो ऐसे प्रश्नवाचक इसके, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप इस तरह इसको कह सकते हैं कि जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि लगा रहे तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं फर्स्ट टाइप और दूसरे को सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप किसको कहते हैं, देखिए फर्स्ट टाइप जिस प्रश्नवाचक का उत्तर यस या नो में दिया जाए तो उसको कहते हैं फर्स्ट टाइप का वाक्य। आप इसको इस तरह भी बता सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले लगा हो तो उसको कहते हैं कि फर्स्ट टाइप। देख रहे हैं इसमें क्या सबसे पहले लगा है इसलिए इसको कहेंगे फर्स्ट टाइप। यहाँ भी देखिए क्या सबसे पहले लगा है इसलिए इसको कहेंगे फर्स्ट टाइप। जैसे देखिए क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह हंस रहा है, इस तरह से कोई भी अनुवाद होगा तो इसको आप कहेंगे फर्स्ट टाइप। और इसके बाद इसका नियम क्या है, इसका नियम है अनुवाद का नियम, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले हो तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सहायक क्रिया इज एम आर को कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिख करके फिर कर्ता क्रिया कर्म आदि को लिखते हैं। इसमें भी कह सकते हैं सबसे पहले आपको इज एम आर इसमें से किसी भी एक को लगाना है कर्ता के अनुसार, इसके बाद यस मैंने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद क्रिया का चौथा रूप, या आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, या क्रिया के पहले रूप में आई एन जी जोड़ देंगे, या जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद कर्म लिखना है, कर्म लिखने के बाद आपको और जो भी होगा उसको लिख देना होगा। तो क्या मैं खा रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम आई ईटिंग, देखिए आई एम को पहले लिख दिया गया। क्या वे रामायण पढ़ रहे हैं, क्या वे रामायण पढ़ रहे हैं, तो क्या वे रामायण पढ़ रहे हैं, देखिए हो जाएगा आर दे रीडिंग रामायण। क्या तुम स्कूल जा रहे हो जाएगा आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या वह सो रही है तो हो जाएगा इज सी स्लीपिंग। देख रहे हैं सब में सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख दिया गया है, तो आपको याद हो जाएगा कि अगर आपको इज एम आर
पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइप का। आपको याद रहना चाहिए कि अगर क्या क्या सबसे पहले लगा हो तो आपको सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखेंगे, सहायक क्रिया को लिखने के बाद कर्ता क्रिया कर्म आदि वाचक शब्द क्या क्यों कब कहाँ कैसे वाच्य के बीच में लगा हो तो इसको हम सेकंड टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको आप डब्ल्यू एच टाइप का भी कह सकते हैं या इसको आप बी टाइप का भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाई वाट वेयर वेन जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर बीच में लगे हों तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यह सेकंड टाइप का है। और जब सेकंड टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो अनुवाद का नियम क्या है। अनुवाद का नियम है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख करके फिर सहायक क्रिया ई जे एम आर कर्ता के अनुसार लिखते हैं, इसके बाद कर्ता क्रिया कर्म आदि को लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद आपको कर्ता के अनुसार इज एम आर लगाना है। इज एम आर लगाने के बाद इसके बाद तब आपको कर्ता क्रिया कर्म आदि को लिख देना है। तो इस तरह से आप इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सूत्र इस तरह से याद करना चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। आप कैसे याद करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको मालूम है क्या होता है, जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, हु है, हाउ है, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। आप इनके अर्थ भी जानते होंगे, व्हाट माने क्या होता है, व्हाई माने क्यों होता है, व्हेन माने कब होता है, वेयर माने कहाँ होता है, हु माने कौन होता है, हाउ माने कैसे होता है। इस तरह से आपको ये सब याद रहना चाहिए, हाउ मच हाउ मैनी ये सारे याद रहेंगे। इसके बाद आपको इन सबको लिखने के बाद जो जो होगा आप लिखेंगे, क्या है तो क्या लिखेंगे, क्यों है तो क्यों लिखेंगे। क्रिया ई जे एम आर लिख करके इसके बाद तब आपको वी लिख करके, वी माने क्रिया का पहला रूप, क्रिया के पहले रूप में आई एन जी लगा देना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को लिख देना है। कर्म को लिखने के बाद और जो भी होगा इसके बाद आप लिख देंगे। अब इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, देख रहे हैं इसमें लिखा गया है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या बीच में आ गया है। जब क्या बीच में आ गया है तो सबसे पहले आपको क्या की अंग्रेजी लिखना है, तो क्या की अंग्रेजी होता है व्हाट, तो आप लिखेंगे व्हाट। अब देखिए इसके साथ आई लगा है तो आई के साथ एम लगता है, इसलिए सबसे पहले हम एम लिखेंगे। इसके बाद देखिए कर्ता लिखेंगे आई, इसके बाद रीडिंग हो गया व्हाट एम आई रीडिंग, इस तरह से हो गया। आपको प्रश्न हो तो व्हाट एम आई रीडिंग, वह क्यों रो रही है, व्हाई इज सी वीपिंग, तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, व्हेन इज ही पढ़ रहे हैं, हो जाएगा हाउ आर दे रीडिंग। सबके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।